everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the easiest English learning source, Hinkhoj, और मैं हूँ इशिता। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि इंडिया में आपने अभी तक कितने types of houses देखे हैं? या आपने आसपास जरा गौर से देखिए और बताइए कि उन houses को क्या कहा जाता है? और मैं आपको आज बताऊंगी कि कितने types of houses इंडिया में देखे जाते हैं, और कुछ एक छोटा सा trivia भी है आपके लिए end में। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिविया शेयर होने वाला है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो आपको पता है गाइस कि किसी भी घर को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को नज़र में रखना पड़ता है। अब आप सोचते होंगे कि ईंट, बालू और पत्थर उठाया और घर बन जाता है, बट नहीं, आप गौर से सोचिए और मुझे बताइए कि बचपन में हमने पढ़ा था ना कि बर्फीले जगहों पर इग्लू होता है, नॉर्मल घर नहीं होता। तो जी हाँ, बस वही फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक या फिर फिनेंशियल, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक घर को बनाया जाता है। अगर मैं फॉरेन की बात करूँ, जैसे US, UK में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं, बट वहीं आप अगर दुबई चले जाएं या किसी गर्म जगह पे चले जाएं, तो वहाँ अलग तरह के हाउसेस दिखते हैं, राइट? सो यही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए घर बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ हाउसेस देखे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पैलेस से। आपने पैलेस देखा है? मैं जब भी जयपुर गई हूँ तो वहाँ पर पैलेस देखने ही गई हूँ। तो वो पैलेसेस को देखा है आपने कभी? पत्थर के बने होते हैं, बहुत ही ह्यूज और बहुत बड़े एरियाज में। वहाँ राजा महाराजा लोग रहते थे। सो पैलेस को हम हिंदी में महल कहते हैं। अब आपने झोपड़ी तो देखी ही होगी। मैंने देखी है, मड की बनी होती है, मिट्टी की। सो झोपड़ी को इंग्लिश में हट कहा जाता है, और बिलीव किया जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले अपने रहने के लिए हट ही बनाया था। तो सबसे पुराना टाइप ऑफ हाउस है हट। आपने एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग देखी है, क्यूट सी, बड़ा सुंदर सा लगता है, तो इसे हम बंगला कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बंगलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस है फार्म हाउस। मूवीज़ में आपने अक्सर सुना होगा, चलो छुट्टियाँ मनाने फार्म हाउस पर चलते हैं। वॉट इज़ फार्म हाउस? फार्म हाउस खेतों के बीच में होता है, यानी एग्रीकल्चर सेटअप के बीच में वो घर बनाया जाता है, और ये सिटी की क्राउड से बहुत ही दूर होता है, या टाउन से काफ़ी मीलों दूर। सो ऐसे एक घर को हम फार्म हाउस कहते हैं। लोग अक्सर शांति के लिए वहाँ जाते हैं। नाउ अपार्टमेंट्स, मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, पर हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि अपार्टमेंट बोलेंगे या फ्लैट बोलेंगे। गाइज, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अपार्टमेंट US इंग्लिश में कहा जाता है, और फ्लैट हम UK इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ओनली डिफरेंस इज द टाइप ऑफ इंग्लिश, बट ये दोनों सेम है। तो अपार्टमेंट और फ्लैट मल्टी स्टोरीड होते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट भी होते हैं, लो राइज अपार्टमेंट भी होते हैं, बट इनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा कितनी स्टोरी, यानी कितने फ्लोर्स की फ्लैट आपने देखा है? मैंने सबसे ज़्यादा 60 फ्लोर्स देखा है। मेरा एक ड्रीम है कि मेरा अपना खुद का एक विला हो, क्योंकि वहाँ हर कुछ होता है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सामान लेने के लिए तो बाहर जाएंगे, बट अगर कभी मन किया स्विमिंग करने का, तो विला के अंदर स्विमिंग पूल होता है। कोई गेम्स आपको पसंद है तो आप उस गेम का सेटअप भी विला के अंदर बनवा सकते हैं, और साथ ही उसमें ड्राइववे भी होता है जहाँ आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर ये एक लग्जरी हाउस है। सो मेरा बहुत मन है कि मेरा खुद का एक विला हो। आपने कॉन्डो सुना है? कॉन्डोमिनियम इसका फुल फॉर्म है। कॉन्डोमिनियम्स 2 या 3 फ्लोर्स की सोसाइटीज़ होती हैं, यानी उनमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, और बिल्डिंग्स में 2 या 3 फ्लोर से ज़्यादा नहीं होते। ऐसे सेटअप्स को कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं। आपने गवर्नमेंट वाली बिल्डिंग्स देखी हैं या गवर्नमेंट वाली सोसाइटीज़ जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं? तो वो काइंड ऑफ कॉन्डोमिनियम्स होते हैं। नाउ पेंट हाउस बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। लोग चाहते हैं कि अपार्टमेंट या फ्लैट लेने से अच्छा है कि मैं एक पेंट हाउस में इन्वेस्ट कर दूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि पेंट हाउस में अपना प्राइवेट एक्सेस होता है, पूरे टेरेस आपकी, यानी पूरी छत पर आपका अपना राज होगा, और बाकी जो अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स वाले होते हैं उनका सेपरेट होता है।
लाइक वो सारे शेयरिंग होंगे, बट पेंट हाउस वालों का अपना खुद का पूरा प्राइवेट एक्सेस होता है फ्लोर का. सो आपको पता है पेंट हाउस के अंदर आप अपना पार्टी हॉल भी बना सकते हैं और ये भी काइंड ऑफ लग्जरी हाउस है. लास्ट इज स्टूडियो अपार्टमेंट्स. स्टूडियो अपार्टमेंट्स आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो लोग अकेले या बैचलर्स होते हैं. सो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर से बाहर आकर काम करते हैं, तो वो बड़े से अपार्टमेंट को रेंट करने से अच्छा है कि वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट कर लें. रेंट में भी वो सस्ती होती है और उसमें एक रूम होता है और एक वॉशरूम. वॉशरूम और रूम के अलावा कोई भी दूसरा रूम नहीं होता, ना ही किचन होता है. सो आपको अगर किचन सेटअप करना है स्टूडियो अपार्टमेंट में तो आप एक टेबल का यूज़ करके उस पर अपना गैस स्टोव रख सकते हैं, बट इसमें बाकी कुछ भी नहीं होता. सो छोटा सा सेटअप जिसमें आपको रहना, खाना और सोने की जगह मिल जाए, इसे हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स कहते हैं. गाइज, आई होप अब आपको क्लियर है कि कितने टाइप्स ऑफ हाउसेज हम इंडिया में देखते हैं, बट हो सकता है कि आपने कुछ डिफरेंट हाउस देखा होगा. तो जल्दी से मुझे बताइए कि उसे क्या कहते हैं और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, बट नाउ इट्स टाइम फॉर सम ट्रिविया. आपको याद है मैंने दो क्लासेस में आपको बताए थे साइन लैंग्वेज, यानी अल्फाबेट्स को कैसे साइन से बताते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी आई, जे, के एंड एल, क्योंकि ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच बाकी के दो वीडियोस में कवर हो चुका है. तो ये जो छोटी वाली फिंगर है, आप अगर इसको दिखाएं तो दिस इज आई, एंड इसको टिल्ट कर दें तो ये जे बन जाता है, जे. और ये है के एंड दिस इज एल. तो अब आपको कभी साइन लैंग्वेज में बात करनी हो तो आप ए से लेकर एल तक जानते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आगे की भी अल्फाबेट्स बताऊंगी. गाइज, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अब हम वीडियोस बनाएंगे आपके डिमांड पे. तो जल्दी से मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए कि इंग्लिश में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर आप इंग्लिश के किस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा फंसते हैं. मे बी इट कैन बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड इंग्लिश, या फिर हो सकता है आपको स्पोकन में या कॉन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर आप ग्रामर का कोई एक पार्ट जानना चाहते हैं डिटेल में. तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स में कि कौन सा टॉपिक आपके लिए हम प्रिपेयर करके बनाएं, और जल्दी से हम उसे अपलोड भी कर देंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल वेट फॉर द कमेंट्स फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.